ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 2.59 में फाइल ब्राउजर और इन्फो पैनल के बारे में है। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम सीखेंगे कि फाइल ब्राउजर और इन्फो पैनल तथा दोनों में उपलब्ध विभिन्न ऑप्शंस क्या है। मैं मानता हूं कि आप ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी तत्वों के बारे में जानते हैं। यदि नहीं तो कृपया हमारे पिछले ट्यूटोरियल ब्लेंडर इंटरफेस का बुनियादी विवरण का अनुकरण करें। 3D व्यू के नीचे बाएं कोने पर एडिटर टाइप मेन्यू पर जाएं। मेन्यू को खोलने के लिए बायां क्लिक करें। इसमें ब्लेंडर में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के विंडोज की सूची है। फाइल ब्राउजर पर बायां क्लिक करें। यह फाइल ब्राउजर है। यहां हम अपनी सभी ब्लेंडर फाइलें पा सकते हैं जो हमारे सिस्टम में सेव है। ये चार एरो बटन हमें अपनी डायरेक्टरी के अंदर चारों ओर स्थानांतरित होने में मदद करते हैं। बैक एरो हमें पहले के फोल्डर पर ले जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए बैकस्पेस दबाएं। फॉरवर्ड एरो हमें अगले फोल्डर पर ले जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए शिफ्ट और बैकस्पेस दबाएं। अप एरो आपको वर्तमान डायरेक्टरी पर ले जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए पी दबाएं। रिफ्रेश बटन आपकी वर्तमान डायरेक्टरी पर फाइल की सूची को रिफ्रेश करेगा। क्रिएट न्यू डायरेक्टरी आपकी वर्तमान डायरेक्टरी के अंदर नई फोल्डर या डायरेक्टरी बनाएगा। ये बटन्स आपको आपकी फाइलों और फोल्डरों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। फिल्टर बटन आपकी डायरेक्टरी में फाइलों को फिल्टर करने में सक्षम करेगा। फिल्टर टैब के आगे मौजूद केवल सक्रिय आइकन्स ही डायरेक्टरी में दिखाई देंगे। तो यह ब्लेंडर में फाइल ब्राउजर विंडो के बारे में था। एडिटर पर जाएं, फाइल ब्राउजर के ऊपरी बाएं कोने पर मेन्यू टाइप करें। मेन्यू को खोलने के लिए बायां क्लिक करें। 3D व्यू पर बायां क्लिक करें। हम वापस डिफॉल्ट ब्लेंडर कार्यक्षेत्र पर आ गए हैं। अब इन्फो पैनल देखते हैं। ब्लेंडर इंटरफेस में सबसे ऊपरी पैनल इन्फो पैनल है, मुख्य मेन्यू पैनल। फाइल पर बायां क्लिक करें। यहां हमारे पास है ओपन अ न्यू या एन एग्जिस्टिंग फाइल, सेव द फाइल, यूजर प्रेफरेंसेस विंडो तथा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शंस। ओपन पर बायां क्लिक करें। यह फाइल ब्राउजर के समान ब्राउजर खोलेगा। आप यहां से ब्लेंडर फाइल खोल सकते हैं जिसे आपने पहले से ही अपने सिस्टम पर सेव किया हुआ है। फाइल खोलने से पहले लोड यूआई एक्टिवेट करना आपको यूजर इंटरफेस या यूआई के साथ ब्लेंडर फाइल खोलने के लिए मदद करेगा जिसे आपने उसी के लिए सेव किया है। ओपन फाइल विंडो से बाहर आने के लिए बैक टू प्रीवियस पर बायां क्लिक करें। ऐड में विभिन्न ऑब्जेक्ट्स की रिपॉजिटरी शामिल है जिन्हें आप अपने सीन में जोड़ सकते हैं। ऐड पर बायां क्लिक करें। यहां ऑब्जेक्ट रिपॉजिटरी है। हम इस मेन्यू का उपयोग करके 3D व्यू में नए ऑब्जेक्ट्स जोड़ सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए शिफ्ट और A दबाएं।
अब 3D व्यू में एक प्लेन जोड़ें। 3D कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए स्क्रीन पर कहीं भी बायां क्लिक करें। मैं यह स्थान चुन रहा हूँ। ऐड मेन्यू के लिए शिफ्ट और A दबाएं। मेश प्लेन पर बायां क्लिक करें। 3D कर्सर के स्थान पर 3D व्यू में एक नया प्लेन जुड़ गया है। 3D कर्सर के बारे में जानने के लिए कृपया ट्यूटोरियल नेविगेशन 3D कर्सर देखें। इसी तरह आप 3D व्यू में कुछ और ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब वापस इन्फो पैनल पर जाएं। रेंडर मेन्यू खोलने के लिए रेंडर पर बायां क्लिक करें। रेंडर में इमेज या वीडियो रेंडर ऑप्शंस हैं, जैसे रेंडर इमेज, रेंडर एनिमेशन, शो या हाइड रेंडर व्यू आदि। रेंडर सेटिंग्स बाद के ट्यूटोरियल्स में विस्तृत रूप से सीखेंगे। इन्फो पैनल में हेल्प के आगे स्क्वायर आइकन पर जाएं। यह है चूज स्क्रीन लेआउट। यह हमें डिफॉल्ट ब्लेंडर इंटरफेस दिखाता है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। चूज स्क्रीन लेआउट पर बायां क्लिक करें। यह सूची आपको विभिन्न लेआउट ऑप्शंस देती है। एनिमेशन, कंपोजिटिंग, गेम लॉजिक, वीडियो एडिटिंग। आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। चूज स्क्रीन लेआउट से बाहर आने के लिए ब्लेंडर स्क्रीन पर कहीं भी बायां क्लिक करें या अपने कीबोर्ड पर एस्केप दबाएं। सीन वर्तमान सीन दर्शाता है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो यह इन्फो पैनल के बारे में था। अब ब्लेंडर में फाइल ब्राउजर का उपयोग करके अपने सिस्टम पर एक नई डायरेक्टरी बनाने की कोशिश करें। फिर स्क्रीन लेआउट को डिफॉल्ट से एनिमेशन में बदलें। और यह फाइल ब्राउजर और इन्फो पैनल पर ट्यूटोरियल को पूर्ण करता है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस पर अधिक जानकारी इन वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाता है। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस पर संपर्क करें contact@spoken-tutorial.org। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।